आज 2021 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण का अधिकांश हिस्सा भारत पर असर नहीं डालेगा, लेकिन ग्रहों की चाल पर खगोल शास्त्रियों से लेकर ज्योतिष विज्ञान के जानने वालों की नजर टिक गई है। चंद्र ग्रहण बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद से शाम तक दिखाई देगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की आंख मिचौली की खगोलीय घटना आज फिर होगी। आज फिर सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगी और चंद्रमा को पृथ्वी अपनी छाया से ढक देगी। भारत में चंद्र ग्रहण सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के राज्यों, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा के कुछ तटीय इलाकों, साथ ही अंडमान और निकोबार में दिखेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में दोपहर 3:15 बजे से अगले लगभग 3 घंटों तक दिखाई पड़ेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण दुनिया के जिन हिस्सों में साफ तौर पर नजर आएगा वो है दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के देश, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, पैसिफिक महासागर और हिंद महासागर के क्षेत्र वाले इलाके। दृष्टिगोचर होने वाला चंद्र ग्रहण जो है ये अधिकांशतः ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा, उसके साथ ही साथ में बांग्लादेश और उसके साथ ही साथ जो है अमेरिका के कुछ हिस्सों में, इंडोनेशिया के अंदर और भारत के उत्तर पूर्वी जो हमारे क्षेत्र हैं, ग्रहण के समाप्ति काल के आसपास में ये यहाँ पर नजर आता है। ग्रहण सायंकाल 3:15 से स्टार्ट होता है और 6:23 पर ये जो है आपका समाप्त होता है। इसका जो सूतक है ये प्रातःकाल लगभग 6:15 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। पूरे भारतवर्ष में तो इसका कोई बड़ा प्रभाव ये दृष्टिगोचर नहीं होता है, किंतु नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे क्षेत्र हैं यहाँ पर ये दिखाई देता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगेगा, इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अन्य राशियों के लिए ये ग्रहण शुभ संयोग ला सकता है। सौर मंडल के ग्रहों की स्थितियां उत्तम होंगी, परंतु चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में निवास कर रहा है, यह नीच का चंद्रमा कहा जाएगा। अतः वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र पर यह ग्रहण है, वृश्चिक राशि के लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ग्रहण काल में उन्हें अपने घर पे निवास करना चाहिए और आकाश मंडल के दर्शन नहीं करने चाहिए। आज पड़ने वाला चंद्र ग्रहण इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है। 2021 में भारत में दिखने वाला अगला चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को लगेगा। इस साल इन दो चंद्र ग्रहणों के अलावा 10 जून और 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आने की खगोलीय घटनाएं भी होंगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ यहां रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए फोन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।